हेलो फ्रेंड्स, लेट्स्ट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी वेबसाइट पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज है, जिसमें से बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर विजिट करें। तो हम सब जानते हैं कि कुछ कंपनी के नेम्स लाइक एप्पल, टाटा, लेनोवो, सोनी, जनरल मोटर्स, राइट? हमें यही कंपनीज क्यों याद है, दूसरे क्यों नहीं? ऐसा क्यों है? दिस मे बी बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यूनिकनेस, गुड सर्विसेज, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑपरेशन एंड सो ऑन। ये सब फैक्टर्स हेल्प करते हैं अच्छे नेम एंड बिजनेस का रेपुटेशन क्रिएट करने में कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स एंड वर्कर्स के दिमाग में। एंड जब हम ये नेम एंड बिजनेस का रेपुटेशन को मनी में वैल्यू करते हैं, तब इसे गुडविल कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस के रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू है। इसको देख नहीं सकते एंड टच नहीं कर सकते, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड इसीलिए ये इनटैंजिबल एसेट है। पर गुडविल को वैल्यू करने की नीड क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी अकाउंट रिपोर्ट को बिजनेस के अफेयर्स के ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस के ट्रू वर्थ और एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल को रिपोर्ट करना चाहिए। हम गुडविल को तभी भी वैल्यू करते हैं जब बिजनेस में इंटरनल चेंजेस होते हैं, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेल्स के टाइम, अमालगमेशन, मर्जर ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा। अब रियल क्वेश्चन ये है कि गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं? क्या गुडविल को 100% एक्यूरेसी से वैल्यू करना पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, पर कुछ एस्टैब्लिश्ड एंड वेल एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। गुडविल ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं, इसीलिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एंड जनरली फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने का कैपेसिटी कंसिडरेशन के लिए लिया जाता है। चलो वैल्यूएशन मेथड देखते हैं एक एक करके। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल को वैल्यू करने का सिंपलेस्ट मेथड है। ये लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स है। ये मेथड के अंदर क्या होता है कि लास्ट फ्यू इयर्स के एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, एंड ये प्रॉफिट्स के एवरेज है 11,000, एंड फिर ये एवरेज प्रॉफिट को वन और मोर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस क्या है एंड हम इसको अकाउंट में क्यों लेते हैं जब बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करते हैं? ये क्वेश्चन के आंसर बहुत सिंपल है। जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत हार्ड वर्क लगता है टू ब्रिंग दिस बिजनेस एट पार इंडस्ट्री में दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ। पर जब कोई एस्टैब्लिश्ड एंटरप्राइज का गुडविल परचेज करता है, उसको बेनिफिट मिलेगा सेलर के इतने साल के हार्ड वर्क का, जिसे बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है एंड करंट स्टेटस में आया है। ये ड्यूरेशन या नंबर ऑफ इयर्स इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ हम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस को 3 ईयर्स लेंगे। अब गुडविल का वैल्यू है 33,000। तो ये मेथड से हमें गुडविल का वैल्यू मिला। अब नेक्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड का इम्प्रूव्ड वर्जन। ये मेथड में हमें हर साल के प्रॉफिट्स के वेट्स मिलेंगे, एंड ये वेट डिसाइड होंगे अकॉर्डिंग टू ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। ईयर्स के केस में ओल्डेस्ट ईयर को लोएस्ट वेट्स मिलेगा एंड लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट वेट मिलेगा, एंड प्रॉफिट के केस में वेट्स डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट। यहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो अब हम हर साल को वेट्स देंगे,
वेट्स असाइन करने के बाद हम टोटल वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ईच वेट उनके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट के साथ। फिर हम ये वेटेड प्रॉफिट का एवरेज लेंगे जो इतना है। फिर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये मेथड जनरली फॉलो होता है जब इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड हो। अब ये दोनों मेथड्स में कुछ लिमिटेशंस है। ये फर्म के एब्सोल्यूट प्रॉफिट को अकाउंट में लेते हैं। ऐसे प्रॉफिट फिगर शायद ट्रू पिक्चर ना दे बिजनेस एबिलिटीज के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, डैनियल एंड कंपनी ने 40,000 अर्न किए हैं एंड जॉन एंड कंपनी ने 30,000 अर्न किए हैं पर्टिकुलर ईयर में। तो डैनियल एंड कंपनी बेटर फर्म लग रहे हैं, पर शायद ये ट्रू ना हो क्योंकि डैनियल एंड कंपनी ने 40,000 प्रॉफिट अर्न किया 4 लाख के कैपिटल एम्प्लॉयड पर, जो 10% रिटर्न दे रहा है। दूसरे साइड जॉन एंड कंपनी ने 30,000 प्रॉफिट अर्न किया है 2 लाख के कैपिटल एम्प्लॉयड पर, जो 15% रिटर्न दे रहा है। तो रियलिटी में जॉन एंड कंपनी बेटर है परफॉर्मेंस में क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है एज कंपेयर टू डैनियल एंड कंपनी। इसीलिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड बिजनेस की एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी को कंसिडर करते हैं। दूसरा मेथड जो यूज होता है गुडविल का वैल्यू फाइंड करने के लिए वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपको क्या समझ में आता है जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड सुनते हो? सुपर प्रॉफिट मेथड वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न होता है। इसीलिए इट इज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें? हमने एवरेज प्रॉफिट को अर्लियर कैलकुलेट किया था एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एनआरआर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये रिटर्न ऑफ प्रॉफिट है जो नॉर्मली इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमारे पास सैम्पल बैलेंस शीट है एंड ये बैलेंस शीट की हेल्प से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। इसके लिए हम टोटल एसेट्स लेंगे एंड इससे हम करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, दैट इज क्रेडिटर्स, और हम ये वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अब ये कैपिटल को एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम 10% कंसिडर कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 3,000, तो ये एवरेज प्रॉफिट से डिडक्ट होगा एंड हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा एज 8,000। इसका मतलब ये है कि 8,000 अर्न हुआ ड्यू टू एफिशिएंसी, लॉन्ग स्टैंड इन बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मेनी अदर फैक्टर्स। एंड अब ये सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई होगा टू गेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये एक मेथड था गुडविल को कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट के साथ। या हम देख सकते हैं कि गुडविल कम है फर्स्ट टू मेथड से, क्योंकि फर्स्ट टू मेथड में हमने सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर किया है एंड बिजनेस ने जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसको नहीं। ये गुडविल को कैलकुलेट करने का मोस्ट लॉजिकल मेथड है। ये 3 मेथड्स बेसिक मेथड्स है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप टाइम ले सकते हैं एनालाइज करने के लिए। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर 2 और मेथड्स है, वो सुपर प्रॉफिट मेथड के एक्सटेंशन जैसे है। उनमें से एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये मेथड में हम जो पहले सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है उसे कंसिडर करेंगे। अब हम कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे विच इज नीडेड टू अर्न सच सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरआर। एंड ये कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया है वो फर्म के गुडविल की वैल्यू है।
इसका मतलब ये है कि आपको एडिशनल 80,000 को डिप्लॉयड करना पड़ेगा टू अर्न 8,000। तो ये गुडविल का वैल्यू है। दूसरे साइड हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट एंड उससे हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट करेंगे एंड वो गुडविल का वैल्यू होगा। या हम देख सकते हैं कि गुडविल का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू अदर थ्री मेथड्स। फर्स्ट थ्री मेथड में गुडविल सिर्फ 3 years के लिए वैल्यू किया है, पर ये मेथड में हमने गुडविल को टू मैनी ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है। अब लास्ट वाला देखते हैं जो है एन्यूटी सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ एन्यूटी का मतलब है सम ऑफ मनी पेएबल ईयरली और एट अ रेगुलर इंटरवल्स। लेट्स से अगर हमें 100 बक्स इन्वेस्ट करना है हर साल में 5 years के लिए 10% इंटरेस्ट एंड हमें जानना है कि ये मनी जो फ्यूचर में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ये फॉर्मूला को कंसिडर करते हुए हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है 3.7908 एंड ये फैक्टर को हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मनी का प्रेजेंट वैल्यू इतना होगा एन्यूटी मेथड से। तो सेम वे में गुडविल को एन्यूटी से वैल्यू करने के लिए हम गुडविल का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हम फ्यूचर में अर्न करेंगे। तो ये होता है बाय कंसिडरिंग सुपर प्रॉफिट एंड डिस्काउंटिंग रेट विच टेक्स इनटू इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क एंड अदर फैक्टर्स। एक एग्जाम्पल देते हैं, रेट है 10% एंड इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर इतना होगा। ये फॉर्मूला को यूज करने के बाद फिर हमें ये एन्यूटी वैल्यू को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के साथ हमने सब इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।